बिल्कुल, तो वेजिटेरियंस के लिए हमारे पास दालें, लेकिन दालों की क्वालिटी एज कम्पेयर टू अंडा और नॉन वेजिटेरियन थोड़ी सी कम है प्रोटीन में, तो उसको बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि दालों को स्प्राउट कीजिए, अंकुरित कीजिए। तो अगर अंकुरित की हुई दालों को कंबाइन करते हैं आप दूसरे सोर्स ऑफ प्रोटीन से, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन प्रोटीन, लाइक आपने प्लांट का प्रोटीन जो कि दालों से मिला उसको कंबाइन किया डेयरी के प्रोटीन, मतलब दूध से बनी चीज़ें, तो अगर आपने अंकुरित किए हुए दालें पनीर के साथ में मिलाकर ले लिए तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है। तो अगर दिन में एक बार या मैक्सिमम दो बार उबली हुई अंकुरित दाल और साथ में पनीर, इसका आपने सलाद या चाट खा लिया, तो डेफिनेटली यू आर फुलफिलिंग द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। लेकिन एक प्रोटीन शेक तो जरूरी है। उसके लिए भी आंसर यह है कि जब आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, मैं हमेशा आपने देखा है कि प्रोटीन पाउडर डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं, पर उसके लिए भी चेंज करते रहना चाहिए, क्वालिटी या ब्रांड चेंज कर लो, ब्रांड और फ्लेवर। अगर आपने फ्लेवर, फॉर एग्जांपल आप पहले वनीला फ्लेवर लेते जा रहे हैं, तो कुछ दिन तक बनी, वो कहते हैं ना पंजाबी भी ऐसे कहना है कि रोज भिंडी नहीं खा सकते, है ना, तो कहने का मतलब है कि थोड़े टाइम के बाद वनीला की बजाय स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी की बजाय चॉकलेट ले लो, चॉकलेट की बजाय अनफ्लेवर्ड प्रोटीन्स भी आते हैं वो ले लो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहो। अब जब चेंज करते रहोगे तो डेफिनेटली एक वो मोनोटनी नहीं आएगी और मोनोटनस फूड नहीं बनेगा, तो एडवांटेज मिलेगा। पर मन से ये हमेशा के लिए स्टैंप लगा दो कि मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, या जब मैंने ऑपरेशन करा लिया उसके बाद प्रोटीन 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 जरूरी है, मस्त है। ये अंडा दो, पीले वाला निकाल के खाओ, पीले वाला योग योग जो है वो निकाल दो। फॉर वॉट द ब्रेड डे, ठीक है, तो फैट्स को ब्लेम मत कीजिए जो कि ब्रेड ने कार्बोहाइड्रेट्स में काम करा है। सो फैट्स अब नहीं है आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण आपका इंसुलिन है। इंसुलिन इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं शरारती बच्चा है हमारे शरीर के अंदर, आपने बस उसको टेम करना है, और वो इंसुलिन हॉर्मोन सिर्फ और सिर्फ शुगर से इंस्टिकेट होता है, और शुगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मील से मिलती है। Fat is there, is going to add satiety, आपको आधार देता है, ठीक है, और आपके जो ब्रेन सेल्स है सिर्फ फैट चाहिए, फैट के बने हैं, अगर वो आप नहीं देंगे तो आपका ब्रेन फॉगी हो जाएगा, आप एक जॉम्बी की तरह काम करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो एसेंशियल फैटी एसिड जो कि आप बादाम अखरोट से खाते हैं लीजिए, और अंडे का जो एग योक है जो कुदरत ने हमको दिया है ना इंटैक्ट अंडे की फॉर्म में, तो वो किसी सोच कुदरत ने कुछ अच्छा समझ के ही दिया, अगर ऐसा होता कि पीला बैड है तो फिर सिर्फ सफेद ही आता, राइट। तो अंडा पूरा बहुत ही अच्छा है, और एग योक के अंदर एक वाइटामिन बी वाइटामिन होता है जिसका नाम होता है कोलाइन, राइट, और वो कोलाइन बहुत बहुत जरूरी है आपके लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखने के लिए, LDL को नीचे रखने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स को नीचे रखने के लिए, और HDL को बढ़ाने के लिए। नहीं तो नहीं तो हर बारी जब भी अंडा लेते हैं तो योग लेना है जी सर। यहाँ पर मैं कहूँगी कि हम सब लोग यहाँ पर बेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कितना अंडा खा सकते हो, आप हमेशा दो या तीन अंडे के ऊपर नहीं खा सकते हैं, तो आप डिजर्व करते हैं। अब ये बात आएगी जो जिम गोअर्स बच्चे हैं, जो आजकल की डेट में मैंने देखा है माएँ आती कि मेरा बेटा एक दिन में पूरी की पूरी ट्रे खा जाता है, एक ट्रे में 24 अंडे होता है, अगर आप 24 अंडे पूरे एक दिन में खा रहे हैं दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। तो हमेशा कहती हूँ इट्स ऑलवेज नॉट द एक्ट ऑफ कंजम्पशन, इट्स द एक्ट ऑफ इंडल्जेंस, राइट। सो लॉजिकली खाइए, थॉटफुल खाइए, एक से दो से तीन अंडे होल हम सब डिजर्व करते हैं अगर हम वेजिटेरियन है तो। हाँ जी, और यस।